आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक विश्वसनीय चैनल है। इसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान के नुस्खे पूरे संसार के लोगों को बेहद पसंद आ रहे हैं। वो हमसे ईमेल के जरिए अपने प्रश्न भी पूछ रहे हैं और हमारे वैद्य जी उनकी समस्याओं का समाधान भी बता रहे हैं। सर्दियां आते ही अधिकांश लड़कियां गर्म पानी का इस्तेमाल करती हैं। अगर आप भी बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहाती हैं, तो हम आपको बता दें कि आप स्किन के संबंधित बीमारियों की चपेट में आ सकती हैं। जिस खूबसूरत त्वचा के लिए आप इतनी मेहनत करती हैं, वो गर्म पानी में नहाने की वजह से खराब हो सकती है। आज हम बताएंगे आपको कि सर्दियों में गर्म पानी से होने वाले क्या क्या नुकसान हैं। आमतौर पर पारा जितना नीचे आता है, लोग उतने गर्म पानी से नहाना शुरू कर देते हैं। इससे आपकी स्किन जल सकती है। इसके अलावा स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म पानी से नहाते वक्त त्वचा की सतह पर मौजूद ऑयली परत हट जाती है। त्वचा को नर्म बनाए रखने के लिए तेल की ये परत बहुत जरूरी होती है। इसके अलावा ये हमें स्किन रिलेटेड संक्रमण से भी बचाती है। इसलिए सर्दियों में गर्म पानी से नहाने के बाद आपने अपनी त्वचा को ज्यादा रूखा और ड्राई पाया होगा। नहाने के बावजूद खारिश होती है, ये परेशानियां भी हो सकती हैं। तो आज से ही प्रण लें कि कभी ज्यादा गर्म पानी में स्नान नहीं करेंगे। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है। इसमें बताए गए नुस्खे एक्सपर्ट की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने और आयुर्वेद और प्रकृति में छुपे गहरे राज जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें आयुर्वेद समाधान।